Assalamu alaikum, how are you all? This is me, Huma Kashif. I hope you all are good. लाइफ में बहुत सारे लोग हम एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वैसे तो हर शख्स अलग मूड और मिजाज का होता है, बिकॉज फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, राइट. हर पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर शख्स एक जैसा नहीं सोचता, हर शख्स की सोच डिफरेंट होती है, उसका जो सोचने का अंदाज़ है वो डिफरेंट होता है, किसी काम को करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है. जैसे एक बंदा, आप दो लोग हैं, दोनों ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई फास्ट करता है, कोई स्लो करता है ना, तो इस तरीके से होता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव जो है वो इस सेंस में होते हैं कि वो जो भी उनका लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उसी सोच के अंदर ये होता है कि समटाइम उनके अंदर ये गिल्ट पैदा हो जाता है. सो उसमें ये होता है व्यूअर्स के एवरीवन इज़ गिल्टी ऑफ द गुड हिडन डू. हर शख्स जो है वो ये गिल्ट अपने अंदर फील करता है, इसलिए नहीं कि मैंने किसी के साथ गलत किया, बल्कि इसलिए कि मैंने अच्छा नहीं किया, यानी मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया. होता है कभी आपके साथ ऐसा कि आप इसलिए उदास नहीं होते, आप इसलिए अपने आप को कसूरवार नहीं समझते कि जैसे होता है ना, जब इंसान थोड़ा सा बीमार हो जाता है, उस पर कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको जब रियलाइज़ होता है, आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं, हालांकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया हुआ होता. तो आप गिल्ट अपने अंदर क्यों फील करते हैं? इसलिए नहीं आप गिल्ट फील कर रहे होते कि आपने किसी के साथ बुरा किया, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड किया, नहीं, बल्कि आपको गिल्ट ये होता है कि मैंने कुछ अच्छा भी तो नहीं किया. अपनी लाइफ मेरी अभी तक जितनी भी गुजरी है, अब आपकी आई हैव नो आइडिया कि अब आपकी कितनी एज है, अभी आप किस एज में हैं, यंग हैं, टीनेजर हैं, या फिर आप 50 क्रॉस कर चुके हैं, जो भी है ना, तो आपका जो भी एज ग्रुप है, ठीक है, वो तो जस्ट एक नंबर होता है. सही, आपको जब भी ये एहसास हो जाए ना व्यूअर्स, और आपके अंदर ये गिल्ट पैदा हो जाए, गिल्ट इसलिए नहीं कि आपने किसी के साथ गलत किया, बल्कि गिल्ट इस बात का कि मैंने कुछ अच्छा भी तो नहीं किया अपनी लाइफ में, है ना, तो उस वो लम्हा होता है, वो वक्त होता है कि जब जो है ना आप चीज़ें रियलाइज़ करने लगते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और आपको समझ आ जाती है. तो जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स आ जाए और आपको एहसास हो जाए कि आपके अंदर एक गिल्ट पैदा हो, और वो इस चीज़ का ना हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया, बल्कि इस चीज़ का हो कि मैंने कुछ अच्छा भी तो नहीं किया, इतनी सारी मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मैंने कुछ उसमें एक अच्छा काम किया. जैसे हम रात को सोते हैं और बिस्तर पर लेटते हैं, तो पूरे दिन की जो है कैलकुलेशन हमारे माइंड में चलती है, सुबह मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ, मैंने ये किया, ये किया, ये किया. एंड ऑफ द डे कोई अच्छा काम होता है आपके क्रेडिट पर? अगर होता है तो अपने लिए क्लैप कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आज के पूरे दिन में मैंने एक अच्छा काम किया. और अगर पूरा दिन गुजरने के बाद भी रात जब आप सोने के लिए लेटते हैं, अव्वल तो इतने थके हुए होते हैं कि फ़ौरन सो जाते हैं, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता. तो इसके अलावा भी दिन में एक मी टाइम निकालिए जिसमें ये सोचिए, और अगर आपको ये सोच आ जाए, ये गिल्ट पैदा हो जाए कि हाँ जी कि मैंने अभी तक कुछ अच्छा काम भी तो नहीं किया, किसी के साथ बेशक बुरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अपनी अपनी इनर सेल्फ के लिए मैंने क्या अच्छा काम किया. तो जिस वक्त ये एहसास पैदा हो जाए ना, तो उसी वक्त जो है ना आपने रब से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, उससे माफ़ी मांग लेना है उन सारी चीज़ों के लिए, अब तक के लिए कि आपने अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं किया, और दोबारा से जो है ना आपने एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है. और जब आप दोबारा इस नई ज़िंदगी को शुरू करेंगे, तो आप समझ लीजिए वो आपकी एक न्यू बर्थ होगी, वो आपका एक नया चेंज होगा, वो आपका एक नया विजन होगा, वो आपकी एक नई लाइफ होगी. किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.